G20 समिट के दौरान दुनिया भर के बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश भारत की मेजबानी में देश की राजधानी दिल्ली में आ रहे हैं। इसी को लेकर पूरा देश बहुत उत्साहित है। इस पर न्यू लायलपुर स्थित लवली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने बच्चों को वर्कशॉप के द्वारा विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 दिन की वर्कशॉप का आयोजन कर चर्चा करने का बड़ा मंच दिया। इस दौरान वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर वाद विवाद, आलोचनात्मक सोच, सार्वजनिक भाषण और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा के लिए बच्चों को 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद 2 दिन की वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इसमें करीब 150 बच्चों ने हिस्सा लिया है। वहीं प्रिंसिपल डॉक्टर इंद्र मलिक ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बच्चों को कैसे वाद विवाद की बजाय सभी मुल्कों में अमन शांति और सौहार्द्र के साथ साथ कैसे भारतीय करेंसी की अंतिम राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने हैं, इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के लिए मंच दिया गया है। इसके द्वारा हम बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। सर, आपका पूरा नाम? डॉक्टर इंद्र मलिक। सर, आज आपने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, एक वर्कशॉप रखी है G20 को लेकर, इस पर क्या आपकी सोच थी और क्या आपने इस कार्यक्रम में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और लगभग क्या चाहते हैं आप इनसे? जो G20 का इनिशिएटिव लिया है हमारी कंट्री ने, प्राइम मिनिस्टर ने, इससे हमारे जो 20 महाशक्ति हमारी जो कंट्री में आएंगी तो आपस में बातचीत होगी और अवेयरनेस क्रिएट होगी कि ग्लोबल कैसे हम लोग हैप्पीनेस क्रिएट करें। उसके लिए हम बच्चों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं थ्रू MUN। तो MUN हमने आज जो इवेंट रखा है, इसमें बच्चे G20 के बारे में बात करेंगे, एक दूसरों को बताएंगे कि G20 कैसे हमारे कंट्री को आगे लेके जाएगा, कैसे हम एक दूसरे पूरे ग्लोबली हम लोग कनेक्ट होंगे और कैसे हमारा 2025 में हमारी इंडिया सुपर पावर बनेगी। तो सर, आपको क्या लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों से कितना अवेयरनेस बच्चों में आ पाएगी? क्योंकि जब तक कि हम बच्चों को हम पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे, जब तक हम किसी प्लेटफॉर्म ही देंगे उनको अपने व्यूज़ रखने के लिए, चाहे वो G20 हो, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो राइट्स ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के हो, तब तक बच्चों को पता नहीं चलेगा। और बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, उनको बहुत नॉलेज है, बट द थिंग इज़ उनको प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर वो अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन हम सबको बताएं और हम उसको आगे इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू सर। आपका नाम? श्रद्धा। श्रद्धा जी, G20 को लेकर जिस प्रकार से आर्थिक महाशक्तियां दिल्ली में आ रही हैं, 20 महाशक्तियां आ रही हैं, तो आपने उस थीम पर ये कार्यक्रम जो वर्कशॉप रखी है, इसका क्या मकसद है और क्या प्लानिंग है? ये जो मॉडल यूनाइटेड नेशन हम अपने स्कूल में करा रहे हैं, बेसिकली इसमें 3 हमने अलग अलग कमिटीज़ रखी हैं। एक है UNHRC, जिसका टॉपिक है वुमेंस के साथ जो भी वॉयलेशन हो रहा है उसके बारे में बात करना। दूसरा है UNGA, इम्पैक्ट ऑफ AI, जैसे कि इंडिया में AI काफ़ी बढ़ता जा रहा है, सो हम स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहते हैं कि इंडिया में तो बढ़ ही रहा है लेकिन बाकी कंट्रीज़ में किस वे में, किस प्रकार बढ़ रहा है। और थर्ड इज़ G20, जो हम सब जानते हैं, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, जिसका हमने टॉपिक रखा है क्लाइमेट चेंज। तो हम G20 6 टू 12 के स्टूडेंट्स को दे रहे हैं और स्टूडेंट्स अवेयर हो रहे हैं इस चीज़ से। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।